हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे फनी पहेली चैनल में। वो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए, दबा दीजिए तो आगे हम बताएंगे। दबा दिया तो बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे हमने इस वीडियो के अंदर बताया, हम आपको कुछ फनी पहेलियाँ पूछेंगे, जैसे कि इसमें झूठ कौन बोल रहा है, तुमने खिड़की तोड़ी, तुमने खिड़की तोड़ी, कि तुमने किया। आप बता सकते हैं, आपके पास 10 सेकेंड है। टाइम स्टार्ट। इसका आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि बी के हाथ पर मिट्टी लगी हुई है। इसका मतलब बी बी नहीं खिड़की तोड़े, इसका मतलब बी झूठ बोल रहा है। आपका भी आंसर यही था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। इसमें झूठ कौन बोल रहे हैं? यह नींबू का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, क्या आप बता सकते हैं? आपके पास 10 सेकेंड है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर सेब लगी हुई है, इसका मतलब ये नींबू का पेड़ नहीं है, झूठ ए बोल रहा है। आपका भी आंसर यही था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए काफ़ी मस्त पहेलियाँ लेकर आऊँगा। इसमें से शादीशुदा कौन है, क्या आप बता सकते हैं? इसमें से शादीशुदा कौन है? ए बी सी। मैं आप सबके फोन बता देता हूँ। ए का फोन, बी का फोन, बी का फोन। मैंने आपको इन तीनों के फोन बता दिया, आप बता सकते हैं इनमें से कौन है शादीशुदा? टाइम स्टार्ट। बी। आपका भी आंसर यही था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या आप बता सकते हैं उसकी पसंदीदा विषय कौन सी है? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्यू देता हूँ, क्योंकि आप देखना है तो पड़ेगा इसके कितने कितने मार्क्स आए। तो गणित, विज्ञान और इतिहास, इन तीनों के अंदर हम मार्क्स देखते कितना है। गणित के अंदर डी प्लस है, विज्ञान के अंदर सी माइनस है, इतिहास में ए प्लस प्लस है। आपके पास 10 सेकेंड। टाइम स्टार्ट। इसका आंसर होगा इतिहास। आपका भी आंसर यही था, मुझे सबका पता है, क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वाला बटन दबाइए और जो लाल बटन है उसको दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर बताएं। कौन पिता है? आप इन तीनों में से बता सकते हैं लड़की के पिता कौन है? चलो मैं आपको छोटा सा क्यू देता हूँ, पिता को कॉल कर दें। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया, इसके पिता तो आपको पता है ये होगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, इन तीनों में से गरीब कौन है? ए गरीब है, बी गरीब है, सी गरीब है। आप बता सकते हैं इन तीनों में से गरीब कौन है? तो आपको मैं एक छोटा सा क्यू देता हूँ, सबूत मांगेगा तो एक छोटा सा क्यू देता हूँ। ए वाउचर, ये वाउचर बी के पास है। टाइम स्टार्ट। मतलब बी के पास वाउचर है, इसका मतलब गरीब है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका बच्चा कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से इनका बच्चा कौन सा? आपके पास 10 सेकेंड। टाइम स्टार्ट। अब ध्यान से देखिएगा तो इस लेडी के बाल भी ऐसे ही है और थर्ड नंबर बच्चा है, इसके भी बाल ऐसे ही है, मतलब इसका बच्चा है थर्ड नंबर वाला। आपका भी आंसर यही था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। टाइम ट्रेवल कौन है जो समय के साथ बदलता है? आपके पास 10 सेकेंड है। इस फोटो को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं टाइम ट्रेवल कौन है? आप इन फोटो को ध्यान से देखिए तो इसके अंदर टाइम ट्रेवल सी वाला है, क्योंकि इसके हाथ में पॉलीथीन है जो समय के साथ बदल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूं। इनमें से धोखा कौन दे रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? 10 सेकेंड। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो बी वाला है एक गेम खेल रहा है, इसका मतलब झूठ कौन बोल रहा है? बी वाला बोल रहा है। तो आपका आंसर भी यदि बी था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और रुकिए, काफ़ी फनी भी पहले आएगी, रुकिए जरा, देखना आगे कैसा आएगा। थोड़ा चटपटा भी लगेगा आपको, अलग अलग भी लगेगा। वीडियो के साथ जरूर बने रहें।
कि शौचालय में खराबी। अरे भाई साहब क्या क्वेश्चन है, 10 सेकेंड। इसका तो आंसर मैं भी नहीं बता सकता, इसीलिए सीसीटीवी कैमरा चेक करते हम, तो हमें पता चला कि बी वाले शौचालय में रिपेयरिंग हो रही है, इसका मतलब बी वाला शौचालय खराब होगा। तो आपका भी आंसर यही था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आपको मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और रुकिए, आपके लिए एक और नेक्स्ट पहेली, इनमें से शादीशुदा कौन है, इसके लिए मैं आपको छोटा सा क्यू देता हूँ। ए का पासपोर्ट है, बी का पासपोर्ट, सी का पासपोर्ट, आप बताइए इनमें से शादीशुदा कौन है। इसमें से शादीशुदा ए वाला होगा क्योंकि ए के पास परिवार की छूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजेता कौन होगा, क्या बता सकते हैं इन दोनों में से कौन जीतेगा। 10 सेकेंड। हम सीसीटीवी कैमरे के अंदर ही देखते हैं इन दोनों में से विजेता कौन होगा, तो हम देखते हैं कि ये वाला जीत रहा है, इसका मतलब ये वाला विजेता। आपको हमारे चैनल के अंदर काफ़ी मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, तो मैंने ऐसे ही काफ़ी वीडियो बनाए हैं जो कि आप देख सकते हो। मैंने पाइप पजल बनाए हैं, फनी पहेलियाँ हैं, और मैं आपके लिए 500 से भी ज़्यादा पहेलियाँ लेकर आऊँगा। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो वो लाल वाला बटन है उसे दबा दीजिए, दबा दीजिए। धन्यवाद।